8 साल पुरानी जंग लगी तलवार को उसने जाके 4 घंटे धार करवा के, और उसने धार करने वाले आदमी को बताया कि इसको पूरी तरह से धारदार बना देने के लिए। धार लगाने के बाद बेड के नीचे छिपा के उसने रखा। कल रात वो 10 बजे करीब सोया, 4 बजे वो उठा, और उठने के बाद सोए हुए अवस्था में उसने अपनी 3 पुत्री और अपनी पत्नी के ऊपर धारदार तलवार से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 इंसाइज्ड ऊन, डीप ऊन्स हैं। 15 से 20 मिनट तक वो इनके ऊपर हमला करता रहा। ये लोग भाग भाग के अपनी जान बचाते रहे। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जगे और वो उठ के घर में घुसने के बचाने की कोशिश में घर में घुसने लगे। तब डर के मारे इसने पीछे का दरवाज़ा, ताला लगा हुआ दरवाज़ा खोल के वो भागने में सफल रहा। तुरंत घर आसपास के लोगों ने और इसके दामाद ने पुलिस को और अस्पताल को सूचना दी। जाके कराए थे छावनी चौक में। कौन दुकान वाला है ये जो धार किया है तलवार में? पंचाल धार वाला तो उसका काम ही यही है धार देना। तो ये पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? 500 रुपए लिया। 500 में 4 जिंदगी खत्म हो गई। कितना टाइम लगाया धार बनाने में? 4 घंटे। 4 घंटे? वो पूछा नहीं उसने क्यों धार बना रहे हो इस तलवार में? पूछा नहीं, बना दिया धार। लेके आए धार, लेके कहाँ छिपा के रखे इसको? मेरे बेड के नीचे। बेड के नीचे रखे? तो रात में सोने का समय होता है, अचानक तुम्हारी 4 बजे कैसे नींद खुली तलवार उठाने की? कल रात में सोए थे? हाँ, 2 घंटा सोया। कितने बजे से कितने बजे तक सोए? 10 बजे के बाद ही सोया। 10 बजे के बाद सोए। उठे कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे उठने के बाद क्या किए? बच्चों तो सोए होंगे, बाकी परिवार वाले तो? तो 1:30 बजे उठते ही तुम्हें दिमाग में कैसे आया कि बार धार करनी है? ये हमको 3-4 दिन पहले से मना कर था। 3-4 दिन से मन बना लिए थे? क्या मन बनाए थे? मारना है। किस किस को मारना है? लड़की को, बड़ी लड़की को। तो एक बड़ी लड़की को मारना है, तो बाकी 3 को क्यों मारे? तो सब पहले आ गए, एक बार हावी हो गए मेरे ऊपर, मैंने आगे साथ। और तुम हमला करोगे एक लड़की के ऊपर, बाकी बचाने नहीं आएंगे? तुम तो हो बिल्कुल, तुम्हें तो कोई मोह ममता नहीं है। बाकी लोग तो बच्चों को बचाएंगे ना, बाकी बहनों को बचाएंगे, वो अपनी बेटियों को बचाएंगी। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि ये सब बच्चियां हैं, इनके ऊपर कैसे हमला करूंगा मैं? कभी मन में नहीं आई ये बात? इधर देखो, कभी मन में नहीं आया कि बच्चे हैं, छोटे छोटे। कितने साल के बच्चे हैं तीनों लड़कियां तुम्हारी? 22 साल के, 18 साल के, 16 साल। तुम्हें लगा नहीं कि 22 साल, 18 साल, 16 साल इनके ऊपर तलवार से हमला कर रहा हूँ जो धर्म पर? कितने साल से शादी हुई है तुम्हारी? 2001 में हुआ था। 1 में हुआ, तुरंत बच्चे इतने सारे हो गए तुम्हें? अभी 22 साल, 21 साल तो हुआ है शादी के? 21 साल की, 20 साल की। तो तुमने 20 साल में इतने पत्नी के साथ, 20 साल शादी के हो गए, 3-4 बच्चे हो गए तुम्हारे, तुम्हें तो ये नहीं लगा कि इनको इसमें कैसे हमला कर सकता हूँ मैं? सर मतलब जो बात, अगर हम लोग भी बोले कि हाँ उसको चली गई, मैंने तो उसको लाना नहीं है, जबरदस्ती लाएंगे तुम, हत्या कर दोगे उनकी तुम? बोले हमने आके नहीं, तुम कुछ भी करोगे, हमारा मर्जी करेगा, हम करेगा। अरे भाई, तुम अलग हो सकते हो, तुम बातचीत बंद कर सकते हो, तुम हत्या कर दोगे सबकी, 4 लोगों की? 4 लोग गलती है, तलवार चला रहे हो, भांज रहे हो, गलती से 4-4, 5-5 चोटें लगी हैं सबको, वो गलती से होगा? वो गलती से एक चोट लग सकती है, गलती से 2 चोट लग सकती है। तुम्हें तस्वीर देखी है उन लोगों की? लहूलुहान कर दिया है तुमने, तुम्हारा हृदय थोड़ा पिघला नहीं गया कि अपने बच्चों को इस तरह से मार रहे हो? मान लो गलती से होगा तो आदमी फोन लगाएगा हॉस्पिटल को। तुमने फोन लगाया क्या हॉस्पिटल को? किसने बुलाया पुलिस को हॉस्पिटल को? सूचना किसने दी? सबसे पहले पुलिस में नहीं गया था वहाँ, तो पुलिस में गया। हॉस्पिटल को सूचना कौन दिया? हॉस्पिटल में मिला कर दिया होंगे। कोई 4 बच्चे तुम्हारे, 3 बच्चे तड़प रहे हैं, वो पत्नी तड़प रही, कोई दिया होगा? और कोई चला गया डर से, क्या पुलिस पकड़ लेगी? पता है तो कौन था? तुम बहुत बड़े कपड़ा काम कर रहे हो, थाने आ गया। तुम्हें ये नहीं हुआ कि एक बार हॉस्पिटल फोन करके कॉल लगाएं 108 में, 112 में, 4 लोग तड़प रहे हैं वहां पे? तुमने सोचा होगा खत्म हो गए, तुमने ये लगा होगा ना खत्म हो गए? तभी तो तुम गए थाने जाके ये बता रहे हो 4 मर गए।
कोई शर्म नहीं है तुम्हें? वो चिल्ला रही होंगी, चीख रही होंगी, कितने बार वार किया बच्चों के ऊपर? करते रहे 8-10 बार, सुनो 8-10 बार, गलती से 1, गलती 2, गलती 3, गलती 4, गलती 5, 6, 7, 8, 1 को 8-10 बार है, वो 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होंगे, 30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, पत्नी के लिए जीता है, तुम मारे जा रहे हो उनको। तुमको अभी क्या लग रहा है, कोई ग्लानी हो रही है, गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई, मतलब कि हम गलती मान रहे हैं। क्या गलती मान रहे हो? गलती मान रहे हैं, मैंने गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए हम क्या नहीं किए हैं सर? मैंने वही लड़की मैंने आगे बीटेक कराया, फाइनल ईयर बीए कराया हूं मैंने आपने इंग्लिश मीडियम में, शुरू से हम ही तो पढ़ाते आ रहे हैं। और तो काट दो तलवार से, पढ़ाए हो तो नहीं, मतलब के सर तो वही बोल रहे हैं मैंने कि गलती से हम बच्चों के लिए ही तो जीते थे ना, मैंने आपने गाड़ी घोड़ा किए, सब संपत्ति बनाए तो किसके लिए? अरे भैया एक बार को धार किए, 3 दिन तक धार करके रखे, फिर रात के टाइम बच्चे सोए हुए थे, सोए हुए में हमला किया कि जगह में हमला हुआ? तब तुम उठे 3 बजे 1:30 बजे, सब सोए हुए होंगे, सोए हुए जगह बैठे सब, तुमने हमला सोए हुए में किया कि जगह हुए में किया? नहीं पहले जगाया, उठाया हूँ, सब उठ गए। फिर क्या किए तू? थोड़ा उठा कर बांध दिए तलवार अपना, जो चोटें लगी है ना सब सोए हुए हालत में लगी है, सीधा सीधा लगी है, ऊपर से नीचे वाली चोटें ऐसे नहीं लगी है। तुमको बेवकूफ समझते हो क्या सबको? नहीं सर, मतलब कि सब लोग नीचे थे, कोई बिस्तर पर नहीं था, सब लोग जग गए थे, सब नीचे थे। और तब हमला करोगे तो दर्द शुरू हो, भागेंगे ही लोग, इधर उधर उधर होंगे ही। अदि वो घर में जो खून फैला हुआ है ना, उसी से लग रहा है, कुछ लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है खून, किस तरह से वो भाग? तुम जो हमला करते रहे कितने मिनटों तक हुआ होगा? 5-7 मिनट, सोचो, इतने धारदार तो बोल रहे हो 5-7 मिनट, कभी 15-20 मिनट हुआ होगा, इधर कोई छिप रहा होगा, कोई उधर छिप रहा होगा, कभी इधर हमला कभी उधर हमला, पूरे कमरे में हमला। और जनाब की इतनी प्लानिंग थी कि चाबी पता था कहाँ पे है पीछे वाले का, चाला खोले वहाँ से चुपचाप निकल गए, सोचे होगे कि पकड़े कहाँ जाएंगे? वो तो रातों रात पुलिस ने 4:30 बजे घटना हुई और 5 बजे दबिश दे दी, तब तुम्हारा जैसा मुजरिम हाथ में लगा है। सर पहले थाने हम गए थे अपने से, थाने से क्या बताए थाने जाके? मैं बोला के मैं 3-4 आदमी को मार दिया, वैसे ये नहीं बोला कि मार दिया हूँ 3-4 आदमी को। तो मतलब के साहब पूछे बिना कौन है वो 3-4 आदमी? सबसे पहले हम ही गए थे मैंने थाने गए। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, क्यों भाई? तुम तो वीरता पुरस्कार मेरी जगह आप ही को मिल जाना चाहिए। सर बच्चे को, हाँ बच्चे को क्यों छोड़ दिया? और एक जो लड़का है उसको हमला नहीं किया तुमने? दो बच्चे और थे, लड़का इसका बेटा एक पोता है, उन दोनों पे हमला क्यों नहीं, तीनों लड़कियों पे हमला क्यों किया? हाँ बताओ ना। सर उन लोगों को मतलब के नहीं मारना था हमको, उनको नहीं मारना था। क्यों उनको क्यों नहीं मारना था? इन 3 लड़कियों ने क्या पाप किया था और इन दो ने नहीं किया? उनको मारना ही नहीं था, एक ही को मारा। नहीं तूने हमला तो किया बाकी दो पे, इन पे क्यों नहीं किया? उस तो बात होगी ना, हाँ बताओ भाई, तो लोग पूछेंगे ही ना। तुमने 3 पे हमला किया, 3 बेटियों के ऊपर, दोनों जो दो लड़के थे उनकी उम्र कितनी थी? 1-12 साल, 1 साल, 1 साल। 1 साल तो क्या, 1 साल तो बड़ी लड़की का बेटा। हाँ बड़ी लड़की का बेटा, तो 12 साल का लड़का था वो उठा था क्या? तो वो बचा ही नहीं आ रहा था क्या? हाँ अरे तुम्हारी जैसे नीचे सोच वाले लोगों का तो। सबसे पहले किसको मारा? सबसे पहला हमला किस पे किया बताओ? अरे मुंह खोलो, पहला हमला किस पे किया? पहला हमला परिवार पे किया। अरे परिवार तो सब है, पत्नी पत्नी पे क्यों भाई हमला किया? मतलब लड़ाई तो बेटी से थी, तो वो आगे थी लड़के ना, ये सब लोग पहले थे मैंने आगे, ये साइड में लड़के नीचे सोए हुए थे मैंने आगे। अरे भैया तो कौन था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा था, जो दुनिया ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, तुम्हें तुरंत हमला करना है, ऐसा था क्या? तुम्हारे हाथ तलवार था, सब वहाँ पे खाली हाथ थे, किसको बेवकूफ बनाते हो तुम?
मैं खुद नहीं बना रहा है सर, मैंने आगे जो बात है वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? जो मतलब कि सब लोग जग गए, मैंने आगे तो जो पहले जो आगे मिला ले लेते चले गए, तो जो पहले आगे उसको मार दिए, खुद ही लात मार के उठाया है। लात मार के उठाया। आप बताओ जरा क्या घटनाक्रम हुआ, बताओ जरा मीडिया वालों। दोनों तरफ पलंग है, दोनों तरफ पलंग में एक तरफ बीवी सो रही है, एक तरफ बड़ी वाली बेटी सो रही है। नीचे ये जानते हुए कि ये जो है ज्योति है और उसके बाद जो है प्रीति है, ज्योति को लात मार के इसने चिल्लाया है और ज्योति जैसी उठी है तो पहला वार उसी पे से शुरू कर दिया है। ये जानते हुए कि ये ज्योति मंजली छोटे, चलो एक बार मार दिया, दो बार मार, तुम्हें लगा नहीं कि रुक जाना चाहिए? तुम जब इनको छोड़ के पुलिस स्थान बाहर निकल गए, तुम्हें एक बार भी यही लगा कि उनकी क्या हालत होगी उन चारों की? आस पड़ोस वाले फोन लगाए, आस पड़ोस वाले उठ के किए और तुम्हें कोई मतलब नहीं था? पीछे के दरवाजे से हाँ, पीछे के दरवाजे से भागा था हमने। बताओ पिछले तो पीछे दरवाजे भागे हैं बेचारे, ताला खोल के ये भागा पीछे दरवाजे पे। सुनो भाई, तुम पीछे दरवाजे से क्यों भागे? तुम तो थाने जा रहे थे बता रहे हो, मुझे भागे क्यों पीछे दरवाजे पे ताला खोल के? पीछे दरवाजे से थाने ही पहुंचाना आगे। तो क्या आगे फिर रास्ता नहीं थाने का क्या? नहीं सर, आगे मोहल्ले का पकड़ लेंगे, मोहल्ले वाले धर लेंगे। हाँ तुम तो सर मोहल्ले वाले हैं, वो धरेंगे ही तुम्हें। जैसे लोगों को चार लोग की हमला करके भागे हो, तुमको इतनी समझ है उस टाइम? जो आदमी गुस्से में रहेगा वो इतनी समझ होगी उसको कि वो ताले की चाबी लेगा, ताला खोलेगा, फिर पीछे से छिप छिपा के भागेगा। वो जो प्लानिंग के साथ करेगा वही इतना सोच सकता है। समझ में आ रही है बात? जो गुस्से आवेश में करेगा ना, तो वहीं पे 30-40 हमले। बताओ तुम तो हार्दिक, तुमने ऐसे हमला कैसे? अभी भी कोई ग्लानी नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुशी है? एक चीज बताओ मुझे, पत्नी और जिस जो शादी की थी वो बच गई है ना? वो तो मारना किसको चाहिए, जानना भी नहीं चाहता है कौन बची है, पूछ जानना भी एक बार भी नहीं पूछा इसने कोई बचा है कौन बचा है। बताओ तुमने अभी इतने देर में कभी पूछा किसी से कौन बचा है, बचे हैं कि नहीं? उनके लिए देखने जाना जाना है मुझे, एक बार मांग की तुमने? तुम्हें तो मतलब ही नहीं है सर। गलती किया हूँ मैं लड़के, तो मैं अब किससे अब पूछूंगा तो बोलेगा कि मैं लड़के ये भी सोच रहा है कि कौन मर गया मैंने आके, ये भी तो आदमी लड़के सोच सकता है। तुम्हारा चेहरा देख रहे हो? चेहरा देख के ही ना, मतलब इतने मैंने क्रिमिनल देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानी नहीं है, कोई ग्लानी दिख रही है क्या चेहरे पे? ये 3 बज गए, तुम्हें खुशी है कि उसका दुख है? खुशी है सर। किस चीज का खुश है? बच गए मैंने आगे तो खुशी हो। बच गए आगे तो तुम्हें तो खत्म ही कर दिया है, तुम्हें तो खत्म। आगे बच गए तो आगे मैं नहीं बोला मैंने लड़का सर, मैं बोला बच गए तो ही मैंने लड़का अच्छा ही है ना। हमने जो गलती हुआ मैंने लड़का मेरे से, अब तो मेरे को मिलेगा सजा। मैंने सजा तो बेटा मिलेगा ही, इसमें मत जाना। तुम्हें तो सजा होगी और लंबी सजा होगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक टाइप के हैं, जो ना मतलब एक नहीं चार चार लोगों पे लगातार कितने मिनटों तक हमला। लाइट जली रहती है उसी के जस्ट बाजू में, वो दिखता है। ये खुद ही लात मारा है ज्योति को और फिर पहला हमला ज्योति से शुरू किया। सही है, नहीं सर नशा सब भी सही बोल रहा है। मैंने बात सही बोल रहे हैं, बता रहा हूँ ना। हम लोग मेरा दरवाजे जो है ना, मतलब यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर इतना ही दूर के फासले में रखा रहता है। ये लोग दोनों पास में सोया हुआ है, वो वहाँ सोइए तो वहाँ जाएंगे मैं लोग उसके पास में, तब तक तो मतलब कि ये लोग साइड से मिले आके मेरे को पकड़ भी सकते। अरे पकड़ लेंगे तुमको, पकड़ लेंगे, तुम्हारा आसमान गिर जाएगा, पकड़ लेंगे तुमको। मतलब मार के ही निकलना है तो इसी को मार दिए जो रास्ते में थे पहले। हाँ मिलते, ये जो लड़ाई नहीं होती है सामने सामने की लड़ाई नहीं होती, जो सिपाही दिखता जाए मारते चलो अंदर घुसते चले जाओ। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो मिला उसको मार दिए? हाँ हाँ हाँ, ये तो भूल ही रहे। अरे तो कोई ग्लानी नहीं है, देखो ना कोई आंख में आंसू नहीं। 3-4 परिवार वाले मुझे, 3 आईसीयू में हैं, एक मर गया है। सर इसकी बड़ी वाली बेटी कितने दिन से रह रही थी यहाँ पर इसके घर पे? 10 दिन। ये बताएं कितने दिन से? उस समय ये काम गुजरात में था। पहले गुजरात में था, वापस कब आए गुजरात से? संडे को आए और लग गए अपने काम में। पहले तलवार ढूंढे, तलवार गुजरात लेके गए थे क्या? गाड़ी में, घर में रखते थे?
घर में रखते थे। किसी ने अप्रोच किया था फिर इस समाज में ऐसी बातें जो उनको तानावाली नहीं? नहीं नहीं कोई तानावाली नहीं, वो घर में आके रहने लग गई थी तो ये परेशान था। क्यों भाई परेशान? नहीं मतलब क्या सुनने को बोला? अच्छा नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं बोल सकता है क्या? हमने आके कोई सुनाएगा तुम तो रह दोगे उसको? तुम रैशनलाइज कर लिया सर, कोई अफसोस नाम की चीज नहीं है। आगे क्या करोगे बताओ? आगे तो बच्चे तो खत्म कर दिए, पत्नी खत्म मान लो हो गई तुम्हें, तो आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? अब आगे जिंदगी में क्या सोचा है? चलो कुछ दिन तो जेल की सेवाएं दोगे, वहां की सेवाएं समाप्त होंगी, फिर क्या करोगे? कुछ सोचा है आगे के लिए? अभी गैंग वैंग में शामिल हो जाओगे तलवार लेके, ऐसा हो जाएगा? पहले कभी तलवार यूज किया था इससे पहले? रखा था 8 साल से पक्का। अच्छा सर ये, और जो धार कराने गए तो पूछे नहीं वो जिसे धार करवाए थे का अचानक धार कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ये बोल रहा था कि केवल बड़ी बेटी का ही बात को लेकर इसको अप्रोच था कि जो जैसे तो सुना था मैंने क्या जी सुना था लेकिन ये उससे मतलब कि अब हम ये बात बताएंगे भी मैंने आगे तो उससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं था। ये कांड जितना भी हुआ है बड़ी बेटी के चक्कर, बड़ी बेटी के चक्कर तुमने, बड़ी बेटी के लिए तुमने तीन और को नहीं। ये बाहर ये भी बोल रहा था कि बड़ी बेटी आई है उसमें ज्यादा हाथ मझली बेटी का ही होगा, वही बुलाई होगी। ये अभी जस्ट बाहर बोल रहा था, यहाँ भी बता सकता है बोलिए। ये तो पत्नी को क्यों मारेगा? पत्नी साथ दे रही थी, पत्नी को ही मार दिया। और छोटी बेटी को क्यों मारा? अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया। छोटी बेटी पे हमला क्यों किया? हाँ क्यों किए बताओ? हावी हो गए मेरे ऊपर, हावी हो गए। कौन हावी हो जाएगा? सर जिसको मारना चाहते थे उसको छोड़ के दूसरी बेटी की मौत हो गई, उससे अफसोस है या नहीं? हाँ मान लो बच गई तुम्हारी बड़ी बेटी तो फिर हमला करोगे क्या जेल से निकल के? क्यों? उसके चक्कर में तुमने दो छोटी और एक पत्नी को पहुंचा दिया। पहले भी कभी कोई हत्या वत्या कोई अपराध किया हो क्या? दामाद को मारने का कभी प्रयास नहीं किया? नहीं मेरे को मतलब भी नहीं था, मैंने आगे तो क्या प्रयास किया था, मैंने आगे तो मैं लड़के उस चीज को हाथ भी नहीं लगा रहा था। मैं लड़के तो उसको लड़के खाना ले आकर देना, मैंने लड़के दे हम बोला नहीं, सेवा कर रही थी ना सेवा सर, मैंने आके उससे कहा, मैंने आके बताइए हम लोग खाए नहीं मिलेगा, आप ले आके दे रहे हैं आगे तो हमको। एक ही बताओ मान लो बच गए तो तू दोबारा हमला कर दोगे तुम तो? नहीं सर। क्यों? जो गुस्सा है वो तो बरकरार है, दिख रहा है अभी भी गुस्सा दिख रहा है? नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं गुस्सा तो पछतावा है मैंने कहा पछतावा है। क्यों पछतावा? तो बोलो सही किए तो बोल रहे हो, तुम्हारे हिसाब से क्यों गलत किए तुम? क्या गलती क्या है तुम्हारी? तुम्हारी क्या गलती है? तुमको और क्या कर सकते थे तुम बताओ? मान लो यदि हमला नहीं करते तो और क्या कर सकते थे तुम उससे अच्छा तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था? तुम्हें तो यही करना पड़ता और तो उपाय ही नहीं था। तो इससे पहले किसी परिवार के अपने जो साथी या अपने बड़े भाई उनसे सलाह नहीं लिए कि मैं इस तरह मानसिक वेदना में क्या करूँ क्या ना करूँ? ये तो होना चाहिए था ना। मानसिक वेदना से मैंने आके एक साल से मैं प्रताड़ित हूँ, मैंने आके कोई मैंने आके चीज में आके बोलने जाइए मैंने आके कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है मैंने आके, तो मतलब कि उल्टा वो उसको कवर अप करके आपसे लड़ाई करे मैंने आके, आपकी वाइफ चाहे मैंने आके किसी को हो तो मतलब कि किसको तकलीफ नहीं लगेगा? तुम्हारे हिसाब से जिसकी लड़की बात ना माने उसको तलवार तुम्हारी तरह उठा के काट देना चाहिए। सुनो ना आप जैसा बता रहे हो, सुनो ना, तो ये रास्ता सही था क्या? जो बोल रहा है ना सही था क्या? उसने बना लिया बेटे का भविष्य क्या होगा, कौन देखेगा बेटे को? क्या सोचे हो बेटे के बारे में? और एक छोटा बच्चा 1 साल का हुआ है उसको कौन देखेगा? कुछ सोचा तुमने उन दोनों के बारे में? दिमाग में कुछ गया उन दोनों के बारे में? उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों का सोचे कुछ? अरे इधर आओ यार, तुमको जो पूछ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई मतलब ही नहीं है उन दोनों से तो तुम्हें? नहीं बेटा है और वो जो छोटा बच्चा हुआ है उस दोनों का कुछ सोचे हो? कोई ग्लानी नहीं है। गमरिया गांव, वहाँ कितने भाई है तुम्हारे?
भाई हम लोग चार भाई। हाँ बाकी तीन कहाँ हैं? दो कलकत्ता रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। और भी कोई ऐसे हमला हमला किया है क्या भाई तुम्हारा? अकेले हो परिवार में जो अपराध में कूदे हो? तुमको डर नहीं लगा जेल हो जाएगी, लंबे टाइम जेल रहूँगा मैं, उस बेटी को अपने हाल पे छोड़ दूँ, बाकी बच्चों का ध्यान दूँ, ये कभी दिमाग में नहीं आया तुम्हारे? एक मिनट भी नहीं सोचा अपनी औलाद पे हाथ उठाते हुए? बोलना भी नहीं चाहते, वो भी कमरा में आ जाएगा। इधर देखो भाई, प्लानिंग कर लिया, ऐसा कुछ घटना रही होगी ना, कुछ तो हुआ होगा। जब गुजरात में मालूम चला तुमको कि ये पास से आके रहने लग गई है, तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया था। मैं वहाँ से लड़के मेरे को फोन करके बताई, मैंने अगर मेरी लड़की मैं यहाँ से, मैं बोला बहुत गलत है, मैंने ऐसा नहीं करना था। तो मन बना लिया था आपने? जब तक हम लोग अपनी मर्जी से करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस उसके बाद फिर बातचीत हमारा नहीं होता था। तो जब फंडे को पहुंचे तो फिर घर आए तो घर में क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं बोला ही नहीं। इसको खाना वाना बड़ी लड़की देती थी, देती थी ना भाई? हाँ, खाना देती थी। मैंने कहा कि ये लोग क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग मतलब के जब वो गई मतलब के पूरे घर में भी मैं बोला, मान लो मर गई कि मतलब के हमारे लिए खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो मतलब के सब ठीक है, मतलब के सब बोल दिए मतलब ठीक, मतलब के तो हमको वहाँ जाना ही नहीं था। कोई कुछ करने की क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो वापस आई तो तुमने हमला कर दिया। तो दामाद तो अभी आपकी वाइफ का सेवा किया था, ऑपरेशन हुआ था तब? वो मेरे को पता नहीं है, मैं था नहीं ना यार। तभी तो पति ही गुस्सा हो गया कि सब मिल गए हैं। आरोपी द्वारा, आरोपी की जो बड़ी बेटी थी उसने एक साल पहले जो है पास में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग में शादी की थी, तब से जो आरोपी को वो शादी खटक रही थी। अभी वो जो है ट्रेलर उसने 10 लाख रुपए लोन में खरीदा है, वो ट्रेलर लेके गुजरात गया हुआ था। वहाँ पे उसको अपनी पत्नी द्वारा फ़ोन से ये मालूम चला कि जो उसकी बड़ी बेटी है वो वापस घर में आ गई है और घर में ही रह रही है। इससे वो तमतमा गया। संडे को, इसी संडे को वो गुजरात से वापस आया, आते ही वो 8 साल पुरानी जंग लगी तलवार को उसने जाके 4 घंटे धार करवा के, और उसने धार करने वाले आदमी को बताया कि इसको पूरी तरह से धारदार बना देने के लिए। धार लगाने के बाद बेड के नीचे छिपा के उसने रखा। कल रात वो 10 बजे करीब सोया, 4 बजे वो उठा, और उठने के बाद सोए हुए अवस्था में उसने अपनी 3 पुत्री और अपनी पत्नी के ऊपर धारदार तलवार से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 8 से 10 इंसाइज्ड वुंड, डीप वुंड्स हैं। 15 से 20 मिनट तक वो इनके ऊपर हमला करता रहा। ये लोग भाग भाग के अपनी जान बचाते रहे। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जगे और वो उठ के घर में घुसने के बचाने की कोशिश में घर में घुसने लगे। तब डर के मारे इसने पीछे का दरवाज़ा, ताला लगा हुआ दरवाज़ा खोल के वो भागने में सफल रहा। तुरंत घर आसपास के लोगों ने और इसके दामाद ने पुलिस को और अस्पताल को सूचना दी। करीब 4:20 की घटना है, पुलिस वहाँ पे 4:45 पहुँच गई। पुलिस की तत्परता से चारों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल, पहले सुपेला हॉस्पिटल ले जाते में एक जो थी बीच की बेटी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले गया, जिला अस्पताल से सीधा संतरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती किए। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने के कारण अभी 3 लोगों की स्थिति बेहतर है और इनके बचने की संभावना है। सर, प्रारंभिक पूछताछ में जैसे आरोपी साहब लोग पूछताछ किए, तो मानसिक स्थिति कैसी है? आरोपी की मानसिक स्थिति, आरोपी को कोई ग्लानी नहीं है। यदि मौका मिला तो ये दोबारा हमला कर सकता है। इसने ये जो अहम पर, इसने अपनी बेटी ने जो शादी की उसको उसने अपने अहम पर लिया, और क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियाँ थीं मदर, और ये तीनों बेटियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, तो इससे देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि ये लोग सब इसके एक साथ मिलके इसकी बात नहीं सुन रहे, तो केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसने क्रूर तरीके से अपनी पत्नी और 3 बालिकाओं पर